स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। हमारी सेना की एक टुकड़ी निकलने के लिए तैयार है पृथ्वी। चलो। मेरी तलवार दुश्मन से खून से रंगने के लिए बेचैन है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। चार साल तक मैं इसी बात का इंतजार करता रहा कि सच्चाई संयोगिता के सामने कब आए, पर अब बहुत हो चुका जयचंद, बहुत हो चुका। अगर मुझ पे वार करना है तो सामने आकर करो, युद्ध भूमि में करो, और अब मैं रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने से नहीं डरता। क्या तुमने अपने समर्पण के लिए हाँ कर दिया? चार साल पहले भी मैंने अपने मारने की कोशिश की थी। तुम्हारी सच्चाई क्या है? राजकुमारी संयोगिता, हर पल गलती हमारी थी वैशाली, और हमारी गलतियों की सजा पृथ्वी को मिलती रही। पृथ्वी के बगैर नहीं जी सकते वैशाली, हम ये स्वयंवर नहीं कर सकते। तो फिर आप अपने आंसू पोंछिए और तैयार हो जाइए। आप आज रात को ही दिल्ली जा रही हैं, और वहां पृथ्वी से मिलकर उसे अपने मन की बात बता दीजिए। पर कैसे? आज रात यमुना नदी के किनारे वाले मंदिर में माता का जागरण होता है, आप वहीं से दिल्ली जाएं। मैं सब संभाल लूंगी। वैशाली, बस आप अपने आंसू पोंछिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान की संयोगिता भी कभी हार नहीं मानती। और अगर पृथ्वी ने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया तो? तो आप उस तक अपनी बात पहुंचाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेना। हम भी भैया की तरह आंख बंद करके निशाना लगाएंगे। पृथ्वीराज चौहान की बहन का निशाना भी उन्हीं के निशाने के जैसा होना चाहिए। पर राजकुमारी प्रथा, चुपचाप खड़ी रहो, हिलना मत, और तुम लोग जाकर उसके सर पर घुंघरू की आवाज करो। पर राजकुमारी, चुपचाप रहने के लिए कहा है ना हमने? तुम तो जानती हो ना हमारा निशाना कैसा अचूक है। ये सेब क्या चीज है, हम तो एक तीर से 10 निशानों को पार कर सकते हैं। ये क्या किया आपने? हमारा निशाना खराब कर दिया। आप हैं कौन और यहां हमारे निशाने के सामने क्या कर रहे हैं? ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? ये बताइए कि हमारा तीर आपके हाथ में आया कैसे? राजकुमारी, उनकी गलती नहीं थी, वो आपका। तुम बीच में मत बोलो। अब आप बताइए कि आप हमारे निशाने के बीच में क्यों आए? आपका निशाना यहाँ नहीं,
वहां है। पहले तीर को सही निशाने पे लगाना तो सीख लीजिए, फिर उसे चलाइए। तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं कि वो सामने खड़े थे? हमने कोशिश की थी राजकुमारी। वैसे ये है कौन? चित्तौड़ के महाराज समर सिंह। चिंता मत करो समर सिंह, दिल्ली और चित्तौड़ की सेनाएं मिलकर मोहम्मद गौरी को ऐसा जवाब देंगी कि वो दोबारा हिंदुस्तान में आने की हिम्मत नहीं करेगा। हमारी सेना के एक टुकड़ी निकलने के लिए तैयार है पृथ्वी। चलो, मेरी तलवार दुश्मन से खून से रंगने के लिए बेचैन है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये क्या भैया, भला कभी कोई बिना तिलक किए राजपूत युद्ध भूमि में जाता है क्या? कैसे बोल सकता हूँ, हम तो तुम्हारी तरफ आ रहे थे। क्यों समर सिंह? हाँ, हम आप ही के पास आ रहे थे। समर सिंह, ये है मेरी छोटी बहन प्रीता। माँ भवानी आपको विजय करे। हमारा निशाना तो चूक गया था महाराज, मगर आपका निशाना दुश्मनों के सामने चूकना नहीं चाहिए। पहले माँ के दर्शन कर ले, फिर हम जाएंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ, हमें शक्ति दीजिए कि हम अपने प्यार को फिर पा सकें। हम पृथ्वी को नहीं खोना चाहते माँ,
हमें प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। जल्दी चलिए, देर हो रही है। जय शिवा ओम नमः शिवा। प्रेम नगर पर चल पड़ी मैं तो लेके नाम निहारा, संकल्प मेरा पूरा कर दे प्रभु तू दे दे सहारा। शुक्रिया वैशाली, बस कि जंग जीत कर आना है आपको। जय गौरी जय नमः शिवा, जय शिवा ओम नमः प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।